हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। पिछले बार हम लोग ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लिए थे, ठीक है। इस बार हम लोग देखेंगे सेक्सुअल अच्छा हमने ये भी देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन प्लांट में देखेंगे, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लेंगे, फिर आप लोग को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले देखते हैं हम लोग, व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन। आई थिंक सो पिछले बार हम लोग ने ये देखा था, लेकिन स्टिल इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो मान लेते हैं ये हमारा पोलन ग्रेन, और हाँ हमने पिछले बार पोलन ग्रेन और उसके स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, हमारे जो कार्पेल होता है उसके भी स्ट्रक्चर देखे थे, है ना। मान लो ये है, ये हमारा स्टिग्मा, ये सॉरी ये हमारा गाइनोइशियम है, ठीक है। ये तो पता है ना, ये आपको ये ये ऐसे पत्ते होते हैं इसमें, और ये ऐसे पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी मैं बता चुका हूँ आप लोग को प्रीवियस वीडियो में, एक बार आप लोग देख सकते हैं ये सब चीजें, सेकेंड एपिसोड है ये। अगर पहला वाला नहीं देखा है तो बच्चों जाके पहले एपिसोड पहले एक बार देख लो, ठीक है। हमारा पोलन ग्रेन बच्चों यहाँ पे आके बैठ जाता है, अब इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन चलो ठीक है, स्टिल आप लोग को दिखना चाहिए ना पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और यहाँ होती हैं बच्चों ओवरीज, ओवरी के अंदर होते हैं ये ओव्यूल्स, क्या होते हैं। अब एक ऑल्टरनेट मार्कर से क्या करेंगे, दूसरे वाले मार्कर से देख लेते हैं। अब ये देखो, ये यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है, ओके। पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं ये, सामने ट्यूब न्यूक्लियस होता है और ये पीछे इसके ऐसे दो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा बड़ा करके बता देता हूँ आप लोग को। ये हमारा ओव्यूल था, पिछले बार मैं बता चुका हूँ ये चीज आपको, ये माइक्रोपाइल, ये हमारा एम्ब्रियो सैक, सिनर्जेट्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब हम इसमें देख रहे हैं, ओके। अब क्या हो रहा है, देखो ये पोलन ट्यूब आ रही है ना, ये पोलन ट्यूब ऐसी, हम लोग सिर्फ पोलन ट्यूब देख रहे हैं। अब पोलन ट्यूब ये ऐसा यू टर्न लेके यहां से अंदर घुसती है, दिख रहा है ना। इसमें होता है ये सामने एक न्यूक्लियस होता है जिसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये होता है हमारे दो मेल गैमेट्स होते हैं। अब इसमें से एक मेल गैमेट जो है ना बच्चों, वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा हमारे एग सेल के साथ। तो एग सेल के साथ फ्यूज होने के बाद वो बनाता है हमारा, क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा जायगोट, जो कि आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो के बाद में वो किस में कन्वर्ट, एम्ब्रियो के बाद में वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सीड मतलब ऐसे समझ लो, ये होता है शुरुआती प्लांट का स्टेज, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म आगे चल के क्या बनता है बच्चों, एंडोस्पर्म बनता है आगे चल के क्या, न्यूट्रिशन का जरिया। बोला था ना मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था मैंने कि ये बनता है आगे चल के टिफिन बॉक्स डेवलपिंग एम्ब्रियो का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। है ना बच्चों, अब देखते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके।
आई थिंक सो, थोड़ा इसको जूम इन करना, जूम करना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके, काफी इतना। तो आप देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो, हम लोग मेल और फीमेल की स्टडी कंपैरेटिवली करेंगे, ठीक है। दो 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 टाइप्स के जेंडर होते हैं, सभी को पता है, मतलब तीन टाइप के होते हैं वैसे तो, लेकिन हम लोग को रिप्रोडक्शन में सिर्फ दो ही रहेंगे, है ना। तो पहला होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल। ये दो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस धरती पे। पॉपुलर मीन्स इस धरती पे अगर बोलेंगे, जनरेशन को सरवाइव करवाने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो, मेन ऑर्गन पहले देखते हैं हम, मेन ऑर्गन। तो बच्चों, मेल में होता है ये टेस्टिस, है ना, और फीमेल्स में होते हैं यही ओवरीज। मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरीज होते हैं बच्चों, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स ये कौन से बनाते हैं? टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म, जो कि मेल गैमेट होता है, और ओवरीज बनाते हैं ओवम, ओके, जो कि फीमेल गैमेट होता है। उसके बाद में हॉर्मोन्स, टेस्टिस कौन से हॉर्मोन्स बनाते हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, है ना। टेस्टोस्टेरॉन कौन सा हार्मोन बनाते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन। अब वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पांच टाइप के हार्मोन्स बनाती है, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस वाइज हम लोग सिर्फ दो के बारे में देखेंगे, जो जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके, ये दो टाइप के हॉर्मोन्स बनते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओके। अब देखो बच्चों, अरे हाँ, ये वही बोलू मैं, क्या गड़बड़ हो रही है। सेंट्रल अलाइनमेंट हो चुका है इसका, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? देखो बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ये क्या करेंगे, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे, और ईस्ट्रोजन का भी सेम काम होता है डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल में भी ये क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, कंपैरेटिव एनालिसिस है, ऐसे नोट्स मिलते नहीं है जल्दी, ठीक है। डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, ओके। अब बच्चों देखो, प्रोजेस्टेरॉन किस काम आता है? इट इज
बर्थ हार्मोन, या सॉरी इट इज प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है ये? प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने का काम होता है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का। किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कि बच्चों जो बोलते हैं ना कि जो बेबी यूटेरस होल्ड करके रखता है ना, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, जो यूटेरस होल्ड करके रखता है, ये क्या करता है? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब एक काम करेंगे और कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब देखो फिर मेल यहाँ लिख देता हूँ मैं, दो वापस से कॉलम ही बना रहे, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं मेल, और यहाँ लिख देते हैं फीमेल। देख लिए मेल एंड फीमेल। तो अब इसमें देखो फर्स्ट अदर ऑर्गन्स कौन से होते हैं? अदर ऑर्गन्स में मेल में होगा पीनस, जो कि स्पर्म डिलीवर करने का काम करेगा इन ह्यूमन फीमेल वेजाइनल ट्रैक। फिर उसके बाद में बोलूँगा पीनस है, फिर बाद में और भी ऑर्गन्स है, जैसे सेमिनल वेसिकल्स है, सेमाइनल सॉरी सिंपल बोलेंगे ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स बोलेंगे जिसको, है ना, मैनी ग्लैंड्स। अब इन ग्लैंड्स में कौन सी आती है देखो। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, फिर आती है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, उसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, एंड सेमिनल वेसिकल, ये सब मिलके एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? सीमेन। व्हाट इज सीमेन? मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, सीमेन इज इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। तो हमने देखा स्पर्म, व्हाट इज सीमेन? स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड होता है बच्चों। ठीक है, अब हम इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि अब यार मतलब कैसे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और कैसे मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, ये सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फीमेल, अभी कंपैरेटिव में हम लोग को जगह थोड़ी सी कम लग रही थी बोर्ड पर, इसलिए मैं थोड़ा सा सेपरेट लेके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अदर ऑर्गन्स हैं, एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम थोड़ा और डीप में देखें तो ये दो टाइप्स का होता है बच्चों, इंटरनल जेनाइटल्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल जेनाइटल्स। अब जहाँ तक की बात है इंटरनल एंड एक्सटर्नल की, इंटरनल जेनाइटल्स हमको विजिबल नहीं होंगे, लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटल ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो विजिबल होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल्स में आता है बच्चों लैबिया मेजोरा। अब ये ज़्यादा आप लोग को डीप में नहीं जाना है, बस नाम याद रखना है। फिर आता है लैबिया माइनोरा, फिर आता है मॉन्स प्यूबिस,
फिर आएगा क्लिटोरिस और फिर आता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, सबको वल्वा कहा जाता है, तो इतना डीप में तो हम लोग को देखना नहीं है, बस नाम याद रखने हैं। और एक चीज याद रखनी है, क्लिटोरिस जो ये होमोलॉगस है पीनस के मेल्स में, मतलब जो स्ट्रक्चर मेल्स मेल्स में पीनस का होता है उसी टिश्यू से क्लिटोरिस भी बने रहते हैं। ठीक है, अब ये कौन से टिश्यू से बने रहते हैं ये आप लोग को 11th 12th में भली भांति सीखने को मिलेगा। एक्सटर्नल जेनाइटल्स, अभी इंटरनल जेनाइटल्स में आते हैं बच्चों, सबसे पहले तो ओवरीज है ना, ओवरिश के बाद में आता है फैलोपियन ट्यूब, फिर फैलोपियन ट्यूब के बाद आता है हमारा यूटेरस, और फिर लास्ट में आएगा वेजाइना। तो यूटेरस और ये वो जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, है ना। और हम लोग ने ये भी डिस्कस किया कि कौन से ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, है ना। एसेसरी ऑर्गन्स उसमें देखे कि एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन से वाले ऑर्गन्स सपोर्टिंग रहेंगे, कौन से वाले मुख्य रहेंगे, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि गैमेट्स फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स मतलब क्या होता है, एक स्पर्म दिखाई कैसे पड़ता है, ये सब आप लोग को मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन चलो ठीक है, इसकी भी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एक स्पर्म ह्यूमन स्पर्म दिखता कैसे है। ठीक है, देखो बच्चों, ह्यूमन स्पर्म कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आप लोग को, है ना। ऐसा होता है, और ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहां पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ये लंबी सी उसकी ऐसी, टेल होगी बच्चों। ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगा स्पर्म। ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं यहां पे वो रहेगा उसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्पर्म की ये होगी टेल, है ना, ये होगा उसका मिडल पीस, ये वाला रीजन होगा एक्रोसोम, ये होगा उसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक टिपिकल स्पर्म का डायग्राम है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम अगर ओवम की बात करें तो ओवम कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये आजू बाजू उसके ऐसे फॉलिकुलर सेल्स की लेयर होगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट बता देता हूँ मैं आप लोग को, ताकि ज़्यादा आप लोग का भी टाइम बर्बाद ना हो, है ना। ये इसके फॉलिकल्स, उसके आजू बाजू सेल्स की ऐसी लेयर होगी। ठीक, बहुत सारी लेयर्स
ऐसे मिलेगी और एक स्पर्म का डायग्राम बनेगा, मतलब ऐसे सेल होगा। सिंपल अगर मैं बोलूँ तो एक नॉर्मल ऐसा सेल है, इसमें इसका न्यूक्लियस है और आजू बाजू ऐसे फॉलिकुलर सेल की लेयर है, ठीक है ये। और ऐसा एक स्पेस है यहाँ पे जिसको हम एंट्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेकिन आप लोग को इतना है नहीं तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ हम लोग। अब स्पर्म और हमारे, अब जो स्पर्म है और ओवम के बीच में फ़र्क क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और मेनोपॉज, मेनार्च, ये सब चीज़ें क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। स्पर्म देखो मोटाइल होता है बेटा, कैसा होता है मोटाइल। व्हाट इज मोटाइल? मोटाइल मतलब मूवेबल। ये होते हैं नॉन मोटाइल। ये होते हैं मोटाइल, ये होते हैं नॉन मोटाइल। ओके, कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्रोड्यूस इन टेस्टिस। और ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों? ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इन ओवरीज। ओके, ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, ये ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। अब इनमें एक और खास बात होती है बच्चों, ये होते हैं लार्जेस्ट सेल। ये होते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये भी बात हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो है हमारे जो ओवम है ना, ह्यूमन ओवम जो होता है, वो होते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है बात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, जब भी फीमेल का बर्थ होता है उसी दौरान, एट द टाइम ऑफ बर्थ, अभी पहले टेस्टिस का देख लेते हैं, फॉर्म्ड आफ्टर प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या रहती है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्म्ड आफ्टर प्यूबर्टी, और जब बर्थ नहीं भी हुआ रहता है तभी ये ह्यूमन फीमेल में होते हैं। ड्यूरिंग बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर मैं लिखूँ, एक फीमेल के बॉडी में 2 से 4 मिलियन ऊसाइट्स होते हैं। 2 से 4 मिलियन ऊसाइट्स होते हैं। लेकिन ये ऊसाइट कैसे होते हैं बच्चों? इमेच्योर होते हैं। और जैसे प्यूबर्टी अचीव होगी उसके बाद ये धीरे 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 एक एक महीने में एक एक या समटाइम्स दो दो सिक्रीट होना बॉडी से स्टार्ट होते हैं, मतलब ओवरी में, ओवरी से स्टार्ट होते हैं और ये सीक्रेट डायरेक्टली रिलीज ओवरी से जाएंगे यूटेरस के तरफ, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा यार सर प्यूबर्टी क्या चीज़ होती है, तो अभी प्यूबर्टी देखते हैं। प्यूबर्टी मतलब यार वो एज, द एज आफ्टर, या फिर द एज इन विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिगिन्स टू अपियर। अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिस भी एज से आप लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएगी वो एज होगी आपकी द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, ये एक्चुअली 12 ईयर्स टू 13 ईयर्स के आसपास होती है। ओके, अब अगर मैं बोलूँ, अगर आपको प्यूबर्टी समझ गई होगी तो हम लोग देख सकते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज होती क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो,
इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई फर्टिलाइजेशन मींस क्या होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ कुछ चीजें पता होना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं तो देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों, ये ऐसी साइकिल है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे दुनिया में ये जितना भी ये ह्यूमन जाने का प्रोसेस है, ये इसी साइकिल की वजह से हो पाता है। बिकॉज इसी साइकिल के थ्रू ओवम रिलीज होता है, और अगर ओवम रिलीज नहीं होता है तो उस वजह से उसके बाद में क्या होता है, ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो स्पर्म अकेला करेगा क्या, फ्यूज किसके साथ होगा, है ना, ये एक क्वेश्चन आता है। तो इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। ओके, तो वैसे ही जैसे मतलब ह्यूमंस और एप्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और बाकी के ऑर्गेनिजम्स में ईस्ट्रस साइकिल बोल के होती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्स, जिसको हम बोलेंगे बिना पूंछ के बंदर, जिसमें हम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एप्स में भी होती है, यही डिसाइड, यही क्या बताता है कि कहीं ना कहीं एप्स हमसे रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो देखो, इसकी जब शुरुआत होती है, जिसको हम बोलेंगे ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बच्चों इसको हम बोलते हैं मेनो मेनार्च। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, मेनार्च। और जब भी इसका स्टॉप हो जाता है, स्टॉपेज, इसको बोलेंगे हम लोग मेनोपॉज। अब मेनार्च की भी बच्चों एक एज होती है, ठीक है। मेनार्च जो है इसकी भी एज होती है लगभग, ये भी 12 से 13 साल के बीच में शुरू हो जाता है। यानी फीमेल जब 12 to 13 years की रहेगी, उस बीच ये स्टार्ट हो जाता है। और जब फीमेल 50+ एज की होती है, कभी कभी ये मतलब फीमेल टू फीमेल वैरी करती है, ठीक है। ये एज फीमेल, ये एज मतलब इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकते, हर किसी का मतलब एकदम ऐसा ही नहीं है। किसी किसी की 55 में भी जाती है, किसी किसी की 45 में भी ये साइकिल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड रहती है, किसी किसी की बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी की जल्दी नहीं स्टार्ट होती, आफ्टर 15-16 के आसपास भी स्टार्ट हो सकती है, ऐसे केसेस भी हैं। लेकिन अप्रॉक्स पकड़ के चलें तो 12+ एज से शुरू हो जाती है, और 45+ या 50+ एज पे ये स्टॉप होती है साइकिल। तो इसी को जब स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग मेनार्च, और जब पॉज हो जाती है तब उसको बोलेंगे हम लोग मेनोपॉज। क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। पॉज मतलब ख़त्म हो रही है साइकिल, ठीक है। तो मतलब कोई ओवम रिलीज नहीं होने वाला, उसके बाद ह्यूमन फीमेल जो है फर्टाइल नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन ऑल 4 फेजेस है। देखो मैं यहां लिखता हूं थोड़े बड़े अक्षरों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों इसमें होते हैं टोटल 4 फेजेस, 1, 2, 3, 4। इसमें इनऑल होते हैं 4 फेजेस। पहला है ब्लीडिंग फेज, ठीक है। दूसरा है
प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव, ये हर फेज के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। तीसरा है ओव्यूलेटोरी फेज, और चौथा होता है बच्चों लूटियल फेज। है ना, इसमें किसी ओवरी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और ये साइक्लिक होता है। अब देखो ये टोटल लगभग बोलते ना 28 डेज का होता है, ये भी दिन वैरी कर सकते हैं फीमेल टू फीमेल, 28, किसी किसी का 30 हो सकता है, लेकिन ये अप्रोक्स पकड़े अगर सही आंकड़ों के हिसाब से तो 28 डेज का होता है, जिसमें से ब्लीडिंग फेज बेटा फर्स्ट 1 से 4 दिन का होता है। मतलब फर्स्ट 4 डेज जो होते हैं ना वो ब्लीडिंग के होते हैं, फिर 4 से लेके 13th डे तक ये प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ओविलेटरी फेज होता है सिर्फ 14th डे पर, और लुटियल फेज होता है 15 से लेके 28th डे तक। अब ये फेजेस एक्चुअली होते क्या है ये हम लोग सीखेंगे, तो इसको लेते हैं थोड़ा सा ऐसा अप 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 अप। अब यहाँ पे एक हार्मोन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग FSH। FSH ये सब चीजें करवाता है। ब्लीडिंग फेज में देखो क्या होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होते रहती है ना, नाम में ही उसके ब्लीडिंग अकर्स। ठीक है, ब्लीडिंग फेज मतलब ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग होने वाला है। कोई फीमेल क्या करती है, हाँ मीन्स फर्स्ट टू फोर्थ डे तक इनको ब्लीडिंग होते रहती है फीमेल्स को। ठीक है, ताकि क्या, और इस वजह से क्या होता है, यूटेरस वॉल जो होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है, मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा यूटेरस के कितने वॉल्स होती है एक्चुअली, यूटेरस वॉल ब्रेक्स। ओके, इस वजह से यूटेरस हो जाती है बिकम्स थिन। यूटेरस की वॉल जो है ना बच्चों ये थिन हो जाती है, ओके, टूट जाती है। अब ये ब्लीडिंग के साथ में क्या क्या चीजें बाहर निकलती है देखते हैं। ओके, मैं यहां पे क्या करता हूं ऐसे पार्टीशंस बना देता हूं ताकि डेटा सेपरेटेड रहे। ओके, साथ ही साथ अब यूटेरस थिन निकला तो ब्लड के अंदर क्या रहता है, ब्लड कंटेन्स, अच्छा एक काम करेंगे इसको सेपरेटली ही लिखते हैं। तो सबसे पहला है देखो फर्स्ट, ब्लीडिंग फेज। ओके, ब्लीडिंग फेज में सबसे पहले बच्चों क्या होगा, कोई भी फीमेल सबसे ज्यादा ब्लीड करेगी इस समय। ओके, मतलब क्या, ब्लीडिंग अकर्स। ब्लीडिंग अकर्स उसके बाद में किसी भी फीमेल को क्या होगा, एब्डोमिनल थोड़ा सा पेन भी होगा, प्लस यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल ब्रेक्स, मतलब अंदर की जो यूटेराइन वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद इसका जो ब्लड बाहर निकलेगा, ये यूटेराइन वॉल के बाद का जो ब्लड निकलेगा, ब्लड कंटेन्स क्या क्या ब्लड में रहेगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, उसके बाद में डेड सेल्स, है ना,
कितने दिन तक रहेगी बच्चों ये वाली साइकिल, ये वाला फेज कितने दिन तक रहेगा? ये फेज रहेगा फिर भी ये फेज रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या है? फर्स्ट टू फोर्थ डे, कब तक रहेगा ये फेज? पहले से लेके चौथे दिन तक, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगले तीन फेज कौन से रहते हैं और उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो तब तक क्या करना है आपको पता है क्या? ज़्यादा कुछ नहीं, रेड बटन को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना है, कमेंट करना है कि टॉपिक आपको समझा क्या, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जय हिंद।